नमस्कार। पीएमसी हिंदी द्वारा आयोजित इस निर्देशित ध्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। तत्वमसी। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित यह शब्द हमारे उपनिषदों के चार महावाक्यों में से एक है। यह शब्द ऋषि उद्दलक द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु को उसका सही परिचय देते हुए कहे गए। तत्वमसी अर्थात तू वही अर्थात ब्रह्म है, और जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं यू आर दैट। तत्वमसी यह शब्द सुनने में शायद हमें साधारण लग सकते हैं क्योंकि हम इसके मूल मंत्र को नहीं जानते, या फिर कह लीजिए अगर हमें इसकी तीव्रता को जानना है तो हमें इस महावाक्य पर चिंतन और मनन करना अनिवार्य है। तो आइए इस निर्देशित ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर इन शब्दों को विकसित करते हैं। अगर आप तैयार हैं एक सुखासन में बैठ जाइए, अपने पांव लॉक कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम इस ध्यान को तीन सत्रों में करेंगे। सबसे पहला सत्र खुद को शांत करने के लिए होगा। इसके लिए मैं चाहूंगा आप खुद को अनुमति दें गहरे सांस लेने के लिए, जिसमें आप नाक से सांस लेकर नासिका के द्वारा ही या मुंह के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। इन सांसों को अपने भीतर चलने दें। गहरी सांस लेते हुए और गहरी सांस ही नासिका से या मुंह से बाहर छोड़ते हुए एक चक्के के समान अपनी सांसों को चलाते हुए और बीच में कोई भी विराम ना देते हुए आप चाहें तो अपनी सांसों को मेरी सांसों के साथ जोड़ सकते हैं। पूरी जागरूकता के साथ सांस अपने भीतर भरते हुए और फिर हल्के से छोड़ते हुए और फिर उसके बाद ही एक सांस फिर से भरते हुए और छोड़ते हुए, मानो कि सांसों के आने जाने का एक चक्का हमारे भीतर चल रहा है। अपनी सांसों को इसी तरह से चलाए रखें। इन सांसों के साथ बने रहें
महसूस करें कि हर अंदर आती सांस के साथ आप अपने भीतर शांति को ला रहे हैं और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर से कोई भी रुकावट, कोई भी तनाव सबको बाहर छोड़ रहे हैं। अगले कुछ क्षणों तक आप इन्हीं गहरी सांसों से जुड़े रहेंगे, जहां आप सांस अपनी नासिका से अपने भीतर लेकर अपनी नासिका से ही या अपने मुंह से बाहर जाने देते हैं। इन सांसों को चलाते हुए आपके भीतर आपको सेंसेशंस, संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं, झंझनाहट महसूस हो सकती है, शरीर में ऊर्जा महसूस हो सकती है। उन सब के होते हुए भी आप इन सांसों को कुछ समय के लिए चलाए रखें। अनुमति दें इन सांसों को खुद को रिलैक्स करने के लिए। धीरे धीरे अब आप दूसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आप इन गहरी सांसों से धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक सांसों की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी सांस प्राकृतिक रूप से चल रही है, जिसमें ना कोई खिंचाव है, एक एफर्टलेसनेस है, जिसके अंदर कोई भी कष्ट नहीं करना, क्योंकि सांसें खुद ब खुद अपना मार्ग चुन सकती हैं। तो अगर आपकी सांस गहरी चल रही है, उसे गहरा ही रहने दें, और अगर आपकी सांसें छोटी चल रही हैं, तो उन्हें छोटा ही रहने दें। और इन सांसों को साक्षी भाव से चलने दें। शरीर स्थिर हो गया है,
और आप मन में उठने वाले इन सब विचारों को साक्षी भाव से देख सकते हैं। वह साक्षी भाव जहां इन विचारों को अपने बाहर धकेलने का कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को, किसी भी विचार को, किसी भी परिस्थिति को या किसी भी भाव को अपने भीतर एक प्रेममय दृष्टि देते हैं, प्रेम से भरी हुई दृष्टि, जहां आप उसे जज नहीं करते, जहां आप उसका आंकलन नहीं करते, वो खुद ब खुद आपसे दूर होती चली जाती है। जैसे एक वृक्ष से जो पत्ते सूख जाते हैं, खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार से यह विचार जो आपके भीतर उठ रहे हैं, सूखे हुए पत्तों के समान खुद ब खुद धरती पर गिरते हुए घुल रहे हैं धरती में। अंदर की तरफ यात्रा कर रहे हैं आप, और इस समय शरीर और मन दोनों ही स्थिर हो गए हैं। सांस छोटी होती जा रही है। अगर आप इसका अनुभव कर रहे हैं, तो सांसों को ढूंढने का प्रयास मत करें। सांस जितनी भी हो, उसे चलने दें। अंत में वो आकर आपके तीसरे नेत्र में स्थित हो जाएगी।
एक प्याज की तरह, जिसके भीतर कई सतह होती हैं, उसी प्रकार आपके भीतर भी कई सतह मौजूद हैं। ध्यान के माध्यम से हम इन सतहों से यात्रा करते हुए अपने भीतर पहुंचते हैं। जहां कुछ नहीं है वहां पहुंचते हैं। अगर कोई विचार आपको पकड़ने का प्रयास कर रहा है या जिससे आप जूझ रहे हैं, सूखे पत्ते के समान उसे छोड़ दीजिए। किसी भी चीज के साथ जुड़े नहीं रहना है। शरीर, मन, भावनाएं, इन सबसे आगे जाना है। शून्य में स्थित हो गए हैं हम। जहां ना मैं हूं और ना ही मैं का कोई अस्तित्व। एक योगी के समान
ध्यान में विलीन हो गए हैं हम। कुछ भी नहीं करना है, जो है केवल उसमें साक्षी भाव से रहना है। अब धीरे धीरे हम तीसरे सत्र में प्रवेश करेंगे, जहां हम अपने भीतर तत्वमसी को अनुभव करेंगे। तत्वमसी, तू वही अर्थात ब्रह्म है। क्या एक मिट्टी का घड़ा घड़ा ज्यादा है या चिकनी मिट्टी ज्यादा है? क्या एक सोने का हार हार ज्यादा है या सोना ज्यादा है? क्या एक पानी की लहर लहर ज्यादा है या पानी ज्यादा है? जिस प्रकार
अगर एक मिट्टी के घड़े से चिकनी मिट्टी को अलग कर दिया जाए, उस घड़े का कोई स्वरूप नहीं होगा। जिस प्रकार एक सोने के हार से सोने को भिन्न कर दिया जाए, तो हार हार नहीं रहेगा। जिस प्रकार पानी की लहर से पानी को भिन्न कर दिया जाए, तो लहर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमारे भीतर से ब्राह्मण को भिन्न कर दिया जाए, तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। घड़े को घड़ा बनाने वाला मिट्टी है, गहने को गहना बनाने वाला सोना है, लहर को लहर बनाने वाला पानी है। हमें हम बनाने वाला ब्राह्मण है, वो स्वरूप है जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। ब्राह्मण और आत्मन एक ही है। हम सब घड़े कम मिट्टी ज्यादा है, हम सब शरीर व्यवसाय हमारी कमाई हुई संपत्ति हमारी उपाधियां कम, ब्राह्मण या आत्मन ज्यादा है, वही हमारा सही परिचय है। तत्वमसि, तू वही अर्थात ब्रह्म है। जिस प्रकार एक फल को काटा जाए और उसके बीज को भीतर से भाग किया जाए, भाग करते करते हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां कुछ भी नहीं होगा,
जहां कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जहां किसी चीज का वर्णन नहीं है, यह फल के भीतर का कुछ भी नहीं का भाग है जिसने फल को फल बनाया। फल के भीतर का वो जो खाली भाव है उससे ही फल बना है। या कहिए तो उससे ही वृक्ष बना है। हर दिखने वाली चीज का अस्तित्व ना दिखने वाली चीज से जुड़ा है, और वो ना दिखने वाली शक्ति उसके भीतर ही है। वो है ब्रह्मण, वो है आत्मन। हम सब के भीतर यही ऊर्जा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आप ब्राह्मण हैं, आप आत्मन हैं। और आप ही पेड़ हैं, आप ही पेड़ पर लटकता हुआ फल है, उसका बीज है, और उसके भीतर का खाली भाग भी है जिसका कोई वर्णन नहीं है। तत्वमसी, तू वही अर्थात ब्रह्म है। यू आर दैट। एक पानी के लोटे में जब हम नमक को डालते हैं तो नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। फिर अगर हम उस पानी को चखते हैं, फिर चाहे हम उसे नीचे की सतह से चखें, भीतर से चखें,
या ऊपर की सतह से चखें, उसका स्वाद सब जगह समान होगा। नमक का स्वाद उस पानी में सब जगह फैला होगा। उसी प्रकार से आत्मन ब्राह्मण सब जगह फैला हुआ है, उसका स्वाद हर जगह पर एक समान है। फिर चाहे वो आपके भीतर हो या आपके आसपास, आसपास की वस्तुओं, वनस्पति, लोगों, जानवरों, पशु पक्षियों में, सब जगह ब्राह्मण आत्मन बसता है। तत्वमसि, तू वही अर्थात ब्रह्म है। यू आर दैट। जब हम अपने जीवन को अपने सही परिचय से जीते हैं, अर्थात घड़ा कम चिकनी मिट्टी बनकर ज्यादा जीते हैं, क्योंकि घड़े को घड़ा बनाने वाला चिकनी मिट्टी है, तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। हम अपना आत्म साक्षात्कार करते हैं, खुद को जानते हैं और उसी स्वरूप से लोगों को जानते हैं, पशु पक्षियों को जानते हैं, खनिज पदार्थ, इस पृथ्वी की हर चीज को जानते हैं, इस पृथ्वी से परे और सौरमंडल के हर चीज को जानते हैं। तब हम दूसरों को उन्हें भौतिक स्तर पर नहीं देखते, उनके भीतर आत्मन को ही देखते हैं।
कोई दो नहीं, यह ही अद्वैत है, कोई दूसरा नहीं, नो ड्यूअल। अपने सही स्वरूप की जागरूकता, अपना सही परिचय लेकर जा रहा हूं मैं अपने भौतिक जीवन में। इस निश्चय के साथ कि तत्वमसी को जीऊंगा, अपने सही स्वरूप से जीऊंगा। और अपने और इस सृष्टि को खुशहाल बनाऊंगा। या माने तो जब हम अपने स्वरूप में जिएंगे, सही स्वरूप में जिएंगे, खुशहाली खुद ब खुद विकसित होती जाएगी। तीन गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर मुंह से बाहर जाने दें। इस ज्ञान की, इस ध्यान की ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह से लाते हुए धन्यवाद की भावना के साथ अपने दोनों हाथों को खोलकर उनकी हथेलियों के मध्य को अपनी आंखों पर रखें। फिर धीरे धीरे हाथ हटाकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अपना समय लें। आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए निर्देशित ध्यान के साथ। धन्यवाद।